सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी ऑनलाइन पाठशाला और नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक हमारे स्टैंडर्ड टाइम और मानक समय के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग देशों में अलग अलग समय क्यों होता है? यदि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि जो सूर्य है वह आपके अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगता है, जबकि जो हमारा पश्चिमी छोर है गुजरात का वहाँ पर 2 घंटे बाद उगता है। तो यदि सूर्य ऐसे उगता है तो फिर समय यहाँ पर एक जैसा क्यों होता है? ठीक है, तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि यह मानक समय क्या होता है या स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो होता यह है कि अलग अलग देशों के जो है वो अलग अलग मानक समय होते हैं, वह उन पर जो देशांतर रेखाएं जो आरोपित होती हैं, जिनके बारे में हमने बताया था, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर इस तरह से होती हैं। तो ये जो यहाँ पर एक प्रधान याम्योत्तर रेखा जिसको बोलते हैं हमने बताया था वो ग्रीनविच में है। तो इस जो यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री देशांतर इसको बोलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच रेखा जिसको बोलते हैं, यहाँ से प्रत्येक देश की स्थिति जहाँ जहाँ पर होगी उसके अनुसार उनका जो होता है मानक समय होता है। तो अब हम अपने देश के मानक समय की बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो है देश में जो क्या है पूर्वी छोर है और जो पश्चिमी छोर है, इनके बीच में जो अंतराल है वह हमने बताया था 2 घंटे का है। ठीक है, 2 घंटे का अंतराल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर एक निश्चित समय नहीं होगा तो यहाँ पर जो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी वे होंगी कामकाज संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए क्या किया गया है, जो वहाँ यहाँ पर हमारे देश में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर यहाँ कहीं क्या किया गया है, उसको माना गया है मानक समय रेखा, क्योंकि इसके बीचों बीच से जाती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसके बीच से गुजरती है। तो इसे भारत का क्या माना जाता है, मानक समय माना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो समय होता है उसी को पूरे देश में मान लिया जाता है कि पूरे देश में जो है समय होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो ये 82.50 डिग्री पूर्वी देशांतर है इसे स्वीकार किया गया, तो पर इसे ही क्यों स्वीकार किया? अब आ सकता है क्वेश्चन, मतलब दिमाग में आ सकता है कि यार और जगहों भी तो मान सकते थे, यहाँ पर गुजरात मान सकते थे, मध्य प्रदेश मान सकते थे, छत्तीसगढ़, यहाँ से कहीं से भी एक जो मान जामोत्तर रेखा जो मतलब जो आपकी देशांतर रेखा गुजर रही है उसके अकॉर्डिंग हम समय को ले सकते थे, तो इसे ही क्यों लिया जाता है? ठीक है, तो इसका जवाब हमारे पास है, तो इसका जवाब हम जानेंगे। तो बात यह है कि हमने देखा था कि जो हमारा देश है वह उसका जो पश्चिमी छोर है वह है कहाँ पर, 68 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, जबकि जो पूर्वी छोर है वह कहाँ पर है, 97 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, तो क्या होता है, तो इनके बीचों बीच यानी कि जो इनका मीडियन होगा, उनका माध्य होगा, तो इसके बीचों बीच जो नंबर आएगा वह आता है 82.50, यानी कि इन दोनों के बीचों बीच आती है जो देशांतर रेखा वह कहां पर आती है, 82.5 डिग्री पे आती है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या माना गया है, हमारे देश में इसे मानक समय स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो ये जो हमारे मानक समय रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानक रेखा इनमें से किन जो राज्य हैं उनसे गुजरती है, तो यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम देखते हैं वे कौन कौन से राज्य हैं। तो वे राज्य हैं आपके आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपके वे 5 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ और इसी तरह से
अन्य राज्य। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कि यमंतर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि यमंतर रेखा क्या होती है, ग्रीनविच रेखा क्या होती है, हमारे देश और जो जो हमारे देश हैं यहाँ से कितनी यमंतर रेखाएं, जो देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो जो हमारा पूर्वी छोर है और पश्चिमी छोर है उनके बीच में जो अंतर होता है वो होता है 2 घंटे का। लेकिन क्या हमें पता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है लंदन के ग्रीनविच में, ठीक है, जो लंदन के ग्रीनविच में हमने बोला मानक समय रेखा है वह है 0 डिग्री देशांतर पर, वह है लंदन के ग्रीनविच में। तो वहाँ से और जो भारत का जो समय अंतराल है वह है कितना, 5 घंटे और 30 मिनट। यानी कि यदि आपके इंडिया में जो समय होगा वह 7 बज रही होंगी, तो आपके जो लंदन ग्रीन विच में है वह कितना टाइम होगा, तो वह होगा आपके कितना, 12:30 वहाँ पर टाइम हो रहा होगा। यानी कि वह क्या होता है, भारत के समय से 5.5 जो घंटे हैं वह क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये आपके नोट्स हैं, आप इन नोट्स के माध्यम से बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा 0 डिग्री से कहाँ पर है, ये 0 डिग्री यहाँ पे क्या है आपका देशांतर है ग्रीनविच में, जबकि हमारा देश का जो मानक समय है वो कहाँ पर है, 82.5 पर है। ठीक है, अभी हमने बताया था। तो और आपको पता है कि एक देशांतर के बीच में कितना समय का अंतराल होता है, वह होता है 4 मिनट का। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 5 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट का समय यहाँ पर मिल जाता है। और हमें ये भी पता है कि जो पृथ्वी होती है वह कहाँ होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यही कारण है कि जो दिल्ली का समय होता है वह लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे होता है, यही हमने बोला था। तो हमने पीछे वाली बात की थी, लेकिन यह उसी तरह से बोला गया है कि दिल्ली का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आ गया। दिल्ली बोलो या आप पूरे इंडिया का बोल दो, ठीक है, क्योंकि मानक पूरे इंडिया में है। तो इस तरह से अब हम आगे बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब तक हमने देशांतर रेखाओं की वैल्यू समझी, अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे कि ये अक्षांश रेखाएं क्या हैं। ये तो हम जान चुके हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार इससे पहले वाली वीडियो देखिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा अक्षांश रेखाओं के बारे में। फिलहाल जो अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ तथ्य हैं वे हम आपको बता देते हैं। तो अक्षांश रेखाएँ जो है, जो ये अक्षांश रेखा है वह 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं, जो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं आपका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ठीक है, यह क्या है, एक अक्षांश रेखा है। यह कौन सी अक्षांश रेखा है यह आप बताएंगे, तो यह होती है हमारी कर्क रेखा। यदि आपने नाम सुना होगा तो यह होती है कर्क रेखा, यह एक अक्षांश रेखा है जो कि कितने डिग्री पर होती है, यह होती है 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है वह होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो यह इन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से ऑप्शनल में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अक्षांश रेखा है यानी कि जो कर्क रेखा है उसकी सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है। अक्षांश रेखा केवल यहाँ पर जो अक्षांश रेखा दिया गया है इसका मतलब है कर्क रेखा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं तो बहुत गुजर रही हैं ना, भारत से बहुत सारी गुजर रही हैं, लेकिन जो यहाँ से गुजर रही है वह है आपकी कर्क रेखा, वह है 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो हम इसके बारे में बताएंगे कि 23.5 डिग्री को ही क्यों कर्क रेखा बोला जाता है, तो यह आगे की वीडियोस में आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कर्क रेखा से संबंधित कुछ फैक्ट्स। तो माना, यहाँ पर मान लेते हैं ये कर्क रेखा है, तो इसके अगर ये यहाँ पे 23.5 डिग्री माना है तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वह है आपकी कर्क रेखा की आपके मध्य प्रदेश राज्य में, तो यह एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है झारखंड की जो राजधानी रांची है वह क्या है, अक्षांश रेखा पर
स्थित है, यानी कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारे देश जो भारत है, भारत देश की कौन सी ऐसी राजधानी है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो हम बताएंगे कि वह है झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, इसके बाद जो रांची के बाद जो है गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है, वह भी क्या है कर्क रेखा के बहुत नज़दीक है। और उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या है जो भोपाल है, वह बहुत समीप है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्ट्स आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अगले वीडियो में हम भारत की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम स्थलीय सीमाएं, जो स्थलीय सीमाएं हैं, जो इसकी जलीय सीमाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं, कितने किस किस राज्य के साथ सीमाएं बनाती हैं, कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, इस तरह से सीम बातें इससे अगली वाली वीडियो में देखेंगे। तो इंतज़ार करिए अगली वीडियो का, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।